की पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ की पोस्टेज के बारे में। दोस्तों ये जो पोस्टेज हैं ये जितना भी इसमें स्टाफ रखा जाएगा वो एम्स बटिंडा के लिए है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर एम्स बटिंडा पंजाब, मतलब कि ये जो जितना भी स्टाफ रखा जाएगा ये एम्स हॉस्पिटल बटिंडा के लिए रखा जाएगा। और दोस्तों इसमें किस किस तरह की पोस्टेज हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पोस्टेज की, लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं और इनका जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 4 अगस्त 2019, मतलब कि 4 अगस्त 2019 तक आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो और रात 12 बजे तक। और दोस्तों अगर इसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्टाफ की कि मतलब इसमें किस तरह का स्टाफ रखना है, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2, इसमें टोटल 150 पोस्टेज हैं। दूसरी जो है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें 1 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें 8 पोस्टेज हैं। और जो चौथी पोस्टेज है वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, इसमें टोटल 40 पोस्टेज हैं। और अगर हम बात करें इसकी टोटल पोस्टेज की, तो इसमें जो टोटल पोस्टेज हैं वो है 199, मतलब कि 199 पोस्टेज। और दोस्तों इसके बाद अगर हम इसकी डीपली जो क्वालिफिकेशन है या फिर रिक्वायरमेंट अगर हम उसके बारे में बात करें, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2, दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 30 साल, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट, मतलब कि 10वीं या फिर इसके बराबर की कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, तो इसके लिए भी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 30 साल तक, और इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट, मतलब कि 10th या फिर इसके बराबर की कोई भी एजुकेशन। और दोस्तों इसके साथ आपके पास कम से कम 2 साल का लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी का, साइंस का, या फिर लाइब्रेरियनशिप का आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास टाइपिंग की नॉलेज है तो इसमें आपको पहल दी जाएगी, मतलब कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और तीसरी जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, इसके लिए भी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 30 साल, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। दोस्तों 10th पास विद साइंस एज ए 1 सब्जेक्ट, मतलब कि आप साइंस में आपका जो साइंस है उसमें आप पास होने जरूरी हो, और आपके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 10th। और दोस्तों अगर आपके पास मेडिकल लाइन का, मतलब कि मेडिकल लेबोरेटरी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको पहल दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास मेडिकल लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस है वो भी अगर वो ये पोस्ट अप्लाई करते हैं तो उनको इसमें पहल दी जाएगी। और इसके बाद जो लास्ट जो पोस्ट है वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, इसके लिए भी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 30 साल, और इसके लिए भी जो कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th। और दोस्तों अगर इसमें भी आपके पास हैविंग वर्क एक्सपीरियंस सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल, अगर आपके पास सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, दोस्तों इनमें से अगर आपके पास किसी का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको पहल दी जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही जैसे ऊपर था वैसे ही अगर इसमें कोई कैंडिडेट के पास ये जो एक्सपीरियंस बताया हुआ है ये एक्सपीरियंस है तो उसको इसमें पहल दी जाएगी। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फीस की,
देखिए दोस्तों, एससी एसटी के लिए जो इसकी सरकारी फीस है वो है 500 रुपये, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए जो इसकी सरकारी फीस है वो है 1000 रुपये। और अगर कोई कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप है, तो उसको जो फीस है वो कोई फीस नहीं है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो मैंने पूरी डिटेल निकाली है ये कहाँ से निकाली है और इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो कहाँ है। देखिए दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है PGIMER। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे इस पे सर्च किया वैसे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है PGIMER.edu.in। देखिए PGIMER.edu.in। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का व्यू नजर आएगा। देखिए दोस्तों, मैं कंप्यूटर पे हूँ इसीलिए इस तरह का व्यू नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट की ऑप्शन नजर आएगी, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का व्यू नजर आएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का व्यू नजर आएगा। आपने करना क्या है, ये देखिए जो सबसे पहला लिंक है आपने इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, और अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म यहाँ से भर भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कोई भी नई पोस्ट आती है और उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आपने करना क्या है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी एक्टिवेट कर लेना है। दोस्तों, इसका फायदा ये होगा कि इसके बाद हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर। बाकी के चैप्टर के लिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।